उत्तर प्रदेश के बाराबंकी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने कथित अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक होने के अगले दिन सोमवार को मामले की जांच कराने की मांग करते हुए घोषणा की कि जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं होता हूं, सार्वजनिक जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। रावत ने सोमवार को एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल से पोस्ट किया, मेरा एक संपादित वीडियो वायरल किया जा रहा है जो डीफेक एआई तकनीक द्वारा जनरेटेड है, जिसकी प्राथमिकी मैंने दर्ज करा दी है। इसी पोस्ट में रावत ने कहा, इस संदर्भ में मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया है कि इसकी जांच कराई जाए। जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं होता, सार्वजनिक जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपने 195 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, जिसमें उपेंद्र सिंह रावत को बाराबंकी संसदीय क्षेत्र से दोबारा टिकट दिया गया है। भाजपा की इस घोषणा के अगले दिन उनका यह आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ। उल्लेखनीय है कि सांसद उपेंद्र सिंह रावत का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसको लेकर सांसद की तरफ से कोतवाली थाना में रविवार को अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आदित्य त्रिपाठी ने रविवार को बताया कि रावत का सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा कथित आपत्तिजनक वीडियो मामले में उनके निजी सचिव दिनेश चंद्र रावत की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक के कई वीडियो सार्वजनिक हुए हैं, जिसमें एक व्यक्ति एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहा है। जिले में तेजी से प्रसारित हुए इस वीडियो में दिख रहे व्यक्ति को उपेंद्र सिंह रावत बताया जा रहा है। सांसद रावत ने बताया कि मेरे टिकट मिलने से पहले कोई वीडियो सामने नहीं आया था, लेकिन टिकट मिलते ही मेरे खिलाफ मेरे विरोधियों ने ऐसी हरकत की है। उन्होंने दावा किया कि यह वीडियो पूरी तरह से संपादित है और इसलिए पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जल्द ही आरोपी सामने होंगे। उपेंद्र सिंह रावत बाराबंकी संसदीय क्षेत्र से 2019 में निर्वाचित हुए थे, तब भाजपा ने अपने तत्कालीन सांसद प्रियंका सिंह रावत का टिकट काटकर उपेंद्र सिंह रावत को उम्मीदवार बनाया था।